पांच पांच गोलियां खाकर काटी थी पाकिस्तानी मेजर की गर्दन, और एक नहीं दो नहीं 48 सिपाहियों को, पाकिस्तानी सिपाहियों को मारकर वापस दिलाई थी तोलोलिंग की चोटी। हम बात कर रहे हैं कोबरा दिगेंद्र कुमार की, देश का वो नायक जिसे 30 साल की उम्र में ही तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा। करगिल हीरो के नाम से विख्यात नायक दिगेंद्र कुमार की कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर न सिर्फ देश को बड़ी कामयाबी दिलवाई, बल्कि पांच गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटते हुए तोलोलिंग की चोटी फिर से फतेह की और 13 जून की प्रभात बेला में तिरंगा लहरा दिया। यह विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कैसे करगिल के हीरो कोबरा नायक दिगेंद्र कुमार ने अपनी वीर गाथा को खुद लिखा। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने अपनी कहानी खुद बयां की। राजस्थान में जन्म, सैन्य माहौल में पले बड़े, राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। राजस्थान के सीकर जिले की नीम कथाना तहसील के गांव में जाट परिवार में जन्मे दिगेंद्र का बचपन से सैन्य माहौल में पलने बढ़ने का अनुभव रहा। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा। 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पिता से प्रेरित दिगेंद्र कुमार 16 की उम्र में ही 2 राजपूताना राइफल्स में शामिल हो गए थे। राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के टाइगर्स के खिलाफ अभियान इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान ही एक दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन का गोला बारूद का ठिकाना नष्ट कर दिया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ाया। ये सब अचानक हुआ था जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में पुल के नीचे से लिट्टे के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया था। दिगेंद्र ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया। लगता है ना फिल्मी, लेकिन हकीकत की कहानी है। कुपवाड़ा में एरिया कमांडर का खात्मा किया किस तरह से वो भी बताते हैं। इसके कुछ साल बाद ही उन्हें कश्मीर के कुपवाड़ा में भेजा गया, जहां उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। उन्होंने एरिया कमांडर आतंकी मजीद खान का खात्मा किया। अपनी वीरता और शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित किए गए। इसके तकरीबन साल भर बाद ही 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए भी उन्हें सराहना मिली। लेकिन दिगेंद्र के लिए ये सब छोटी उपलब्धियां थी। वो बेबाक और निर्भीक योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। इसका मौका उसे मिल भी गया। राह में जो भी आया उसका फुर्ती से खात्मा करना, यह दिगेंद्र की खासियत रही। 1999 के आते आते नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे। इसी साल 13 जून के दिन जो हुआ उसने दिगेंद्र कुमार को जीते जी अमर कर दिया। उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तोलोलिंग की चोटी और पोस्ट जीता, बल्कि उस पर तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी भी कारगिल युद्ध के दौरान दिलवाई। इस अभियान के दौरान उन्हें 5 गोलियां लगी, लेकिन वो नहीं रुके, नहीं थके, न अटके न भटके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। उनकी राह में जो भी आया उसका फुर्ती से खात्मा करते गए। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मलिक ने पूछा था, क्या है तुम्हारे पास प्लान? करगिल युद्ध छिड़ने के बाद दिगेंद्र की यूनिट 2 राजपूताना राइफल्स को 24 घंटे में कुपवाड़ा से पहुंचने और अगले 24 घंटे में जंगी मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला था। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल VP मलिक ने तैयारी बैठक ली। इसमें दिगेंद्र कुमार ने उन्हें तोलोलिंग चोटी पर चढ़ाई की अपनी योजना बताई। जनरल मलिक के निर्देशानुसार नायक दिगेंद्र को घातक टीम का कमांडर बनाया गया और उनके कमांडिंग ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता को बनाया गया। बर्फीली पहाड़ी और ठंड की कपकपाहट के साथ रात के सन्नाटे में 12 जून की रात को उन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की। पाकिस्तानी सेना ने वहां 11 बंकर बना रखे थे। पहला और आखिरी बंकर दिगेंद्र कुमार ने उड़ाया। आसान नहीं था चोटी पर कब्जा जमाना, कैसे वो भी बताते हैं। जब दिगेंद्र पहला बंकर उड़ाने के लिए रात के अंधेरे में दुश्मन के बंकर में घुस गए थे और इसकी भनक लगते ही दुश्मन ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस दौरान उन्हें 4 गोलियां लगी। इनके अलावा 2 गोलियां उनकी AK-47 पर लगी जो हाथ से छूट गई। उस वक्त अपनी सूझबूझ से घायल दिगेंद्र ने अपना और अपने साथियों की हिफाजत का ध्यान रखते हुए फौरन एक ग्रेनेड उस बंकर में फेंक दिया। इसके बाद अचानक से पीछे से हमला हुआ और कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर उनकी कंपनी ने उन 30 हमलावरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी सेना मेजर अनवर खान की गर्दन कैसे उड़ाई थी यह भी आपको बताते हैं।
दिगेंद्र कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, बीच बीच में एस्टेरॉयड युक्त पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर रहे थे। ऐसा करके दिगेंद्र और उनकी टीम ने पूरे 11 बंकर तबाह कर दिए थे। इस बीच सुबह 4 बजे उनके आखिरी साथी सरदार सुमेर सिंह राठौर को भी गोली लग चुकी थी। फिर उसकी MMG लेकर दिगेंद्र पहाड़ी की ओर आगे बढ़े, तब उन्हें रास्ते में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान दिखाई दिया। उनका दोनों का आमना सामना हुआ तो दिगेंद्र LMG से एक ही गोली चला पाए थे। तभी अनवर खान ने उन पर अपनी पिस्तौल से गोली दागी जो दिगेंद्र के कमर के नीचे पांव में लगी। तभी उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अनवर ने दिगेंद्र के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन दिगेंद्र ने उसका गला पकड़कर रखा और अपना खंजर निकालकर एक झटके में गर्दन उड़ा दी। फिर वो वक्त आया जब वाजपेयी ने कहा कि वाह मेरे कलयुगी भीम बेटे, तुमने 48 को मारा। ये किस्सा भी बताते हैं। सवेरा होने वाला था, 13 जून 1999 को सुबह के 4:30 बजे थे। तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराने लगा था। नायक दिगेंद्र अपनी इस जीत से ज्यादा उत्साहित नहीं थे। वो अपने साथियों को खो देने के कारण अंदर से टूट चुके थे। वो गंभीर रूप से घायल थे, रो रहे थे। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब उनकी आंख खुली तो वो श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में थे। दिगेंद्र बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनों को मारा। इसका पता तब चला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीठ थपथपाकर कहा कि वाह मेरे बेटे, तुम कलयुगी भीम हो, तुमने 48 को मारा। दो और मार देते तो हाफ सेंचुरी लग जाती, तुम अभी भी नॉट आउट हो। हालांकि इसके बाद दिगेंद्र कुमार का उपचार 2-3 साल तक चलता रहा और बाद में वो अनफिट करार दिए गए। जाने के बाद सेना से रिटायर हो गए। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। आज करगिल विजय दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।